दोस्तों, जो लोग सनी देओल के फैंस होंगे या जिन्होंने गदर और गदर टू दोनों देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि सनी देओल ने गदर जो प्रेम कथा था उसमें उन्होंने हैंडपम्प उखाड़ा था और दूसरे वाले में उन्होंने बहुत बड़ा व्हील ड्रा के लिया था। तो ये सनी पाजी के जो भी फैन हैं उनके लिए एक मतलब बोल सकते हैं कि सनी देओल का एक स्ट्रेचर है, मतलब एक बोल सकते फैन फॉलोइंग का स्ट्रेचर है। इनका व्यक्तित्व है कि वो ऐसे सब सीन करते हैं तो दर्शक बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी सीन के ऊपर अब भगवंत मान ने बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सनी देओल पे क्यों ऐसा बात बोला, क्या कटाक्ष किया, आज मैं इस वीडियो में ये बात बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपके भाई का रणधीर सेंगर का, तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करते रहें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवंत मान जो कि पंजाब के सीएम हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक रैली में बहुत बड़ा बात बोल दिया। मैं बता देता हूँ कि रविवार को निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित होने के लिए बीजेपी के गुरदासपुर सांसद सनी देओल पर निशाना साधा और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि राजनीति का मतलब मतदाताओं की सेवा करना है, उनके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहना है। फिल्मों में उनको अक्सर जमीन से हैंड पाइप उखाड़ते हुए देखा जाता है, लेकिन एक सांसद के रूप में उनका प्रदर्शन निराशाजनक है क्योंकि वह लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए एक हैंड पाइप भी स्थापित करने में सक्षम नहीं थे। उसके बाद उन्होंने आगे बोला कि ये 9 से 5 का ड्यूटी का टाइम नहीं हुआ कि 9 बजे ऑफिस आए और 5 बजे आपके घर चले गए। ये 24 घंटे अपने मतदाताओं के लिए, अपने निर्वाचन क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनके लिए उपलब्ध रहना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि पर्यटन क्षेत्र को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया, बड़े पैमाने पर प्रयास करने चाहिए थे लेकिन उन्होंने किया नहीं। उन्होंने ये भी कहा निशाना साधते हुए कि आरोप लगाया कि गुरदासपुर से निर्वाचित होने के बावजूद बीजेपी सांसद को पठानकोट की बुनियादी स्थलाकृति की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वह शर्त लगा सकते हैं कि देओल को पता नहीं होगा कि पठानकोट में धार कला और चमरोड कहाँ जाता है। उन्होंने ये कहा कि बॉलीवुड के स्टार को पठानकोट के लोगों ने या लोगों ने उनको चुन करके बहुत बड़ी गलती की है। अब वहाँ के लोगों को एहसास हो रहा है, आपने देखा होगा कि बीच में एक पोस्टर भी लगाया गया था कि लापता, मतलब सनी देओल को लेकर एक लापता करके पोस्टर लगाया था। उन्होंने बोला कि जब भी आप कोई आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो ये सोच कर नहीं आते कि नहीं मैं तो अब इस टाइम पर सो रहा हूँ या इस टाइम पर कोई और पर्सनल काम है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो 24 आवर्स का जॉब होता है। जबकि आपके निर्वाचन क्षेत्र के लोग जब चाहे आपको अप्रोच कर सकते हैं और आपके आपको उनके लिए उपलब्ध होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कटाक्ष उन्होंने कहा। आगे भगवंत मान ने चुटकी लेते हुए बोला कि टिनसेल वर्ल्ड के स्टार ने फिल्मों में सीमाएं लांघी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की भलाई के बारे में नहीं पूछा जिन्होंने उन्हें चुना था। उन्होंने कहा कि फिल्मों में बॉलीवुड अभिनेता को अक्सर जमीन में हैंड पाइप उखाड़ते देखा है। तो इस तरह के उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े कटाक्ष किए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में बहुत सारे समर्पित नेता जो समर्पण और उत्साह के साथ राज्य की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को बाहर से आए लोगों को चुने गए पैराशूट नेताओं को चुनने के बजाय इन नेताओं को वोट देना चाहिए जो कि हमेशा से उनको या उनकी देश की जनता या गुरदासपुर की जनता या पठानकोट की जनता को से हमेशा उपलब्ध रहे। ये नहीं कि कभी आप जरूरत पड़े तो केवल चुनाव के टाइम में आए वोट ले ले अपने स्टार्डम के बनीत पर और उसके बाद वहाँ से गायब हो जाए और उसके बाद आप सुध लेने ना आए कि आपकी जनता वहाँ पे आपके लिए कितनी बेचैन है और व्यग्र है और बेसिक सुविधा भी उपलब्ध कराने के लिए आप कभी झांकने भी नहीं जाते कि आज जो जो जनता ने आपको चुन करके संसद में पहुंचाया है उसके बेसिक जो जो फैसिलिटी है उसमें आपका देने में क्या योगदान है। तो ये क्योंकि अभी चुनाव का टाइम आ गया है और गुरदासपुर को लेकर
क्योंकि पहले से वहाँ पे विनोद खन्ना थे वहाँ पे, और अटल बिहारी जो जेटली साहब लड़ना चाहते थे लेकिन हार गए थे। लेकिन वहाँ पे जो मैंने सुना है जहाँ तक कि विनोद खन्ना ने काफ़ी काम किया था गुरदासपुर से, और वो बहुत इन्वॉल्व रहते पॉलिटिकली, तो ये सब बोलना जरूरी नहीं है कि सारे एक्टर ऐसे ही होते हैं, बहुत लोग काम करते हैं। जैसे मैं तो विनोद खन्ना के बारे में मानता हूँ कि उन्होंने काफ़ी वहाँ पे जितना भी पढ़ा कि हमेशा वो बहुत एक्टिव होते थे, पार्लियामेंट में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते थे, इसलिए वो दो दो बार वहाँ से जीते थे। लेकिन अब सनी पाजी नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं है, अगर वहाँ से चुनाव जीते हैं तो मेरे हिसाब से उनका काम है कि जाके वहाँ के लोगों को सुध लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर जीत गए तो आप वहाँ को छोड़ के चले जाएं। अभी तो ये भी आ गया कि सनी पाजी बोल रहे हैं कि मैं तो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। देखिए, आपको जब ज़रूरत हो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ सनी पाजी से लेकर, कि आपको जब ज़रूरत थी, आपकी पिक्चर नहीं चल रही थी, तब आपने एक बोल सकते हैं कि अपने पॉपुलैरिटी को बनाया, वहाँ से चुनाव लड़ गए और जीत गए। लेकिन जब आपकी पिक्चर चल गई तो ऐसा नहीं कि आपको जहाँ से लोगों ने आपको प्यार करके और आपको संसद में भेजा, उसको आपको आपको जैसे ही आपको फेम मिला, आपकी पिक्चर चली, तो छोड़ देना चाहिए। शायद ये सनी देओल के जो फैन हैं उनको ये थोड़ी मेरी बात अटपटी या बुरी लग सकती है, लेकिन सोचिए अगर आप गुरदासपुर में हो और आपका एमपी आपका अवेलेबल नहीं हो किसी भी जरूरत के लिए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, सनी पाजी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन अगर पॉलिटिकल देखा जाए, पॉलिटिकल राजनीतिक विश्लेषण के हिसाब से, तो सनी पाजी को अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो उन्होंने जिता कर भेजा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।